हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम डॉक्टर पूर्णिमा रस्तोगी है और मैं एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ। आप मेरा चैनल क्लासिकल होम्योपैथी देख रहे हैं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ब्लैक हेड्स के बारे में बताऊंगी। ये ब्लैक हेड्स क्या होते हैं, क्यों होते हैं और इनका होम्योपैथी में ट्रीटमेंट क्या है। फ्रेंड्स, हमारी स्किन में कई तरह के पोर्स होते हैं जो ओपन भी होते हैं और क्लोज भी होते हैं, जिनको हम कॉमेडो कहते हैं। के साथ ही इनमें सीबेशियस ग्लैंड होते हैं जो सीबम सिक्रीट करता है। ये सीबम जब अधिक मात्रा में रिलीज होने लग जाता है तो ये पोर्स में जाकर के कलेक्ट हो जाता है, डेड स्किन के साथ इंटरमेंगल्ड हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे कॉमेडॉन्स का रूप ले लेते हैं और इन्हीं को हम ब्लैक हेड्स कहने लगते हैं। जब ये सीबम ग्लैंड के एकदम ऊपरी सतह पे आ जाता है और ऑक्सीजन से मींस बाहर की जो एयर होती है उससे ऑक्सीडाइज हो जाता है, तब ये ब्लैक कलर का दिखने लगता है, जिसको ब्लैक हेड्स कहते हैं। और अगर ये ऑक्सीडाइज नहीं होता है तो जो हमारी स्किन होती है वो उसके ऊपर एक झिल्ली सी बना देती है, जिसको हम व्हाइट हेड्स भी कहते हैं। अब मैं आपको इसके कुछ कारण बता देती हूँ। इसमें सबसे पहला है कि जब हम प्यूबर्टी के टाइम पर होते हैं या जब टीन एज वाले लोग होते हैं, उनमें हार्मोनल चेंजेस होते हैं और उस हार्मोनल चेंजेस की वजह से सीबम ज़्यादा सिक्रीट होने लग जाता है और इन पोर्स में कलेक्ट हो जाता है और ब्लैक हेड्स का रूप ले लेता है। दूसरा, जिनकी स्किन ऑयली होती है, ऑयल ज़्यादा सिक्रीट होने की वजह से ये पोर्स बंद हो जाते हैं, ऑयल ना निकल पाने की वजह से वो वहाँ पे एक्यूमुलेट होने लग जाते हैं और फिर से ब्लैक हेड्स का रूप ले लेते हैं। तीसरा कारण है कि जो लोग बहुत ज़्यादा मेकअप करते हैं, बहुत ज़्यादा फाउंडेशन यूज़ करते हैं और भी अनदर केमिकल वाले प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, उनके भी पोर्स बंद हो जाते हैं और ठीक तरीके से क्लीन नहीं हो पाते हैं, उसमें भी डेड सेल्स और ऑयल इकट्ठे हो जाते हैं और फिर से ये ब्लैक हेड्स का रूप ले लेते हैं। अब मैं आपको इसके लिए एक होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बता देती हूँ। फ्रेंड्स, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के लिए मैं आपको एक सोल्यूशन बताऊंगी जिसमें आपको मदर टिंचर मिला करके खुद से बनाना है। उसमें सबसे पहला मदर टिंचर है बर्बरिस एक्वाफोलियम, इसका आप 1/4 पार्ट ले लीजिए। उसके बाद दूसरा मदर टिंचर है यूजेनिया जम्बोस, उसका भी आप 1/4 पार्ट ले लीजिए। तीसरा है क्राइसोयाबिनम मदर टिंचर, उसका भी आप 1/4 पार्ट ले लीजिए। और चौथा है इचिनेशिया मदर टिंचर, इन चारों का आप 1/4 पार्ट एक बॉटल में इकट्ठी कर लीजिए और इनको शेक कर लीजिए अच्छे से। उसके बाद इनको आप सुबह और शाम 30 मिनट्स के लिए अप्लाई करिए और उसके बाद चेहरे को हल्के गुनगुने पानी से वॉश कर लीजिए। आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपके ब्लैक हेड्स धीरे धीरे जाने लग जाएंगे। और इन ब्लैक हेड्स के लिए फ्रेंड्स, मैंने अपने दूसरे वीडियो में बताया हुआ है। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।